सो हाय एवरीवन, आप सबका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, ओपन स्कूल क्लास 10 का दोस्तों का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में 7 तारीख के आसपास दोस्तों आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, और वही हुआ लिटरली। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है जहाँ पर देख पा रहे हैं कि घर से लिखने थे उत्तर, फिर भी 4,000 विद्यार्थी फेल, 10वीं ओपन के नतीजे 93%। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ओपन बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो है रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है, पेंडिंग में है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का महज कुछ हैं, और फाइनली यहाँ पर क्यों फेल हुए हैं इतने बच्चे, क्यों, आखिर रीज़न क्या है। आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा, पूरा डिटेल करूँगा कि फेल हुए हैं उनका और क्या होगा आगे, और क्यों फेल हुए हैं। ठीक है, कितना परसेंट रिजल्ट आया है, सारा डिटेल होगा, बस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल को। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, राज्य ओपन स्कूल द्वारा 10वीं का परिणाम कल घोषित कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों 92.367% विद्यार्थियों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ठीक है, इस परीक्षा के लिए दोस्तों 54,207 स्टूडेंट ने क्या किया था, अपना पंजीकृत कराया था, जिसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 54,046 ही परीक्षा में शामिल हो पाए। ठीक है, शामिल हुए, और फाइनली इसमें से जो है 32,258 छात्र तथा में 22,000 शामिल हैं। ठीक है, घर से उत्तर लिखने के बाद भी जो है 4,000 के अप्रॉक्स अनुत्तीर्ण हुए हैं, है ना। सो फाइनली आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तीर्ण छात्रों में से दोस्तों 42,000 ऐसे छात्र हैं, 42,262 ऐसे छात्र हैं जो कि प्रथम श्रेणी मतलब 60% गेन किए हैं। ठीक है, 60% से पार है, 60% इतना गेन किए हैं। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के अंदर दोस्तों 3,437 तथा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों 766 स्टूडेंट ही आए हैं, मतलब तृतीय श्रेणी में। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर देख पा रहे हैं, जबकि 4 छात्र 5 श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। सफल होने वाले जो लड़कियों का जो प्रतिशत है दोस्तों वो 93% है, और लड़कों का जो प्रतिशत है मतलब वो 92 है, मतलब एक अप्रॉक्स बोले तो 1% कम है। ठीक है, लड़कों का तो राज्य ओपन बोर्ड की वेबसाइट पे आप जानते ही हैं, मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था आपको। ठीक है, आपने चेक इन कर लिया होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, मैं अपलोड कर देगा। छात्रों के परिणाम ऐसे विभिन्न कारणों से रोके गए हैं जिसके नतीजे जल्द ही जारी कर देंगे, मतलब जो 53 ऐसे छात्र हैं, ठीक है, 53 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका राज्य ओपन बोर्ड ने जो है अभी उनका जो रोका है दोस्तों उसके रिजल्ट को, ताकि उनमें कुछ कारणों से उनको रोका गया। अब यहाँ पर कारण तो मेंशन नहीं किया गया, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, बट किसी कारण से रोका गया है, हो सकता है कहीं त्रुटि हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ में गलत हो गया हो, तो फाइनली ऐसा ही होता है। ठीक है, सो यहाँ पर देख पा रहे हैं गलती कहाँ हुआ है फेल होने का, इसलिए हुए फेल। ठीक है, सो यहाँ पर देख पा रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण से दूसरे साल दोस्तों ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स को घर में बैठ करके एग्ज़ाम देने की यहाँ पर सुविधा मिली थी, है ना, और इसके उत्तर घर से ही लिखकर छात्रों को केंद्र में जमा करने थे। इसके बाद भी दोस्तों परिणाम नहीं रहा, ठीक है, जिसमें 7.3% छात्रों का परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। सूत्रों के अनुसार से इनमें से कुछ छात्र ऐसे थे जो उत्तर पुस्तिका की कोरी ही जमा नहीं किए गए थे, कई स्टूडेंट तो ऐसे थे जो पन्ने में लिखकर जमा कर दिए गए थे, कुछ पन्नों में, दो महज 2-4 पन्नों में। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो तमाम सुविधाओं के बाद भी सही उत्तर नहीं लिख सके हैं, सोचो ये हाल है यहाँ पर। तो बीते वर्ष भी ओपन स्कूल की परीक्षा इस तरह के मामले सामने आने के कारण से लगभग 10% छात्र फेल हुए थे, और कई अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं, मतलब कि वही है जिन्होंने उत्तर पुस्तिका लेकर के गए, जमा नहीं किया, जमा करने वापस आ ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिस कारण से यहाँ पर 4,000 स्टूडेंट ओपन बोर्ड फेल हुए, 36,000 क्लास 10th का दोस्तों, 4,000 यहाँ स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो फाइनली मैंने पूरा डिटेल बता दिया आप लोग को। अब जो 53 ऐसे छात्र हैं जिनका अभी रिजल्ट रुका हुआ है किसी कारणों से, वो जल्द ही आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं लीजिए आप। ठीक है, इसी हफ्ते के या अगले हफ्ते के आसपास आ जाएगा, 3-4 दिनों के अंदर, तो आप टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, सो फाइनली इतना मेरे को डिटेल देना था आपको। दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि आके हम फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज के बारे में बताते हैं। तो फाइनली आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जितने भी ऑफिशियल नोटिस आते हैं दोस्तों ओपन बोर्ड के, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं इसी चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।